Hello everyone, I'm Shakti Prasad Singh. Welcome to my YouTube channel IT Bloom. Here you can get conceptual knowledge in computer. If you are new in this channel, then please like, subscribe and press the bell icon and share videos of this channel. Now without wasting any more time, let me start. How to use प्रिंटर ऑनलाइन घर में यूज करते हैं हम लोग प्रिंटर, ऑफिस में यूज करते हैं, यूएसबी केबल के थ्रू यूज करते हैं, वाईफाई के थ्रू यूज करते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं आप कोई भी प्रिंटर को ऑनलाइन घर से अगर ऑफिस में यूज करना है तो कर सकते हैं, ऑफिस से घर में यूज करना है तो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है डेस्कटॉप पे। उसके बाद थ्री डॉट का आप यहाँ ऑप्शन देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। फिर आपको सेटिंग में क्लिक करने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा एडवांस सेटिंग, शो एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा गूगल क्लाउड प्रिंटिंग, यहाँ पे मैनेजर का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा एड प्रिंटर। अब इसमें हमको ईमेल आईडी का यूज करना है जो प्रिंटर में हमको ऐड करना है। चलिए तो हम इसमें अपना ईमेल आईडी या पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। इसमें आपको पासवर्ड डाल लेना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट्स टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे ऐड प्रिंटर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू आर रेडी टू गो। अब आपको अपना ईमेल आईडी पे जाना है जिसको आप इसमें ऐड किए प्रिंटर में। चलिए हम अपना ईमेल आईडी को ओपन कर लेते हैं मैनेज योर प्रिंटर करने के लिए। चलिए तो इसमें हम आपको दिखा देते हैं कौन सा प्रिंटर आपको यूज करना है। तो इसमें हमको जो प्रिंटर यूज करना है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, प्रिंटर को सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे पीपल इन्वाइट, यानी कि उन्हीं पीपल को इनवाइट करना है जिसको, मान लीजिए हम आपको घर में जो यूज करना चाहते हैं घर से ऑफिस में जो प्रिंटर है उसके लिए, तो हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दूसरा डाल देते हैं। ईमेल आईडी को डालने के बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी शो कर। जब आप शेयर कर लेंगे उसके बाद आप जो ईमेल आईडी डाले हैं उस पर आपको एक मेल जाएगा कन्फर्म करने के लिए जो जो ईमेल आईडी आप डाले हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज आ गया है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। मैसेज पे क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ऐड प्रिंटर का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपका प्रिंटर, इस पर क्लिक करिएगा तो प्रिंटर ऐड हो जाएगा। चलिए इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं और प्रिंटर जो कनेक्ट है वो दोनों में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।